भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा समाप्त होने के बाद राहुल गांधी असम से गुजरात तक की पदयात्रा करेंगे। मंगलवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की राजधानी पटना में राहुल के प्रस्तावित कार्यक्रम की घोषणा की। खड़गे ने कहा, राहुल गांधी का फैसला है कि देश को एकजुट करने और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ उनका हल्ला बोल जारी रहेगा। अपनी इसी सोच के तहत वो इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के समाप्त होने के बाद उनका असम से गुजरात तक की यात्रा का कार्यक्रम है। पहली यात्रा समाप्त होने के बाद जारी होगा कार्यक्रम। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं कई लोगों से मिल रहा हूं। इनमें ज्यादातर किसान, मजदूर व छोटे उद्यमी हैं। सभी भाजपा राज में 40% कमीशन व महंगाई से परेशान हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर कहा कि हम नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को बर्बाद कर रही है। नई शिक्षा नीति हमारे मूल्यों पर चोट है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शिक्षा का केंद्रीकरण करना चाहते हैं, लेकिन हम इसका विकेंद्रीकरण चाहते हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरने वाली है। इन राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। इस यात्रा के बाद वे असम से गुजरात तक की यात्रा करेंगे, जिसका कार्यक्रम पहली यात्रा समाप्त होने के बाद जारी होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तालमेल पर भी फैसला नहीं हुआ है। यदि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इसके बाद तय होगा कि नीतीश कुमार के साथ पार्टी के कैसे तालमेल होंगे। खड़गे मंगलवार को पटना में थे। वो यहां अपने समर्थन में कांग्रेस प्रतिनिधियों से वोट की अपील करने आए थे। इस दौरान उन्होंने काफी बातें कही और ऊर्जावान भी दिखे।